हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं पनीर और आलू की सब्ज़ी। आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए हमने दो प्याज, थोड़ा सा ज़ीरा, कसूरी मेथी और लहसुन जो है इसका पेस्ट बना लिया है, दो टमाटर का पेस्ट बना लिया है। फिर हमने ऑयल गरम किया है, उसमें हमने पनीर के पीसेस को डालकर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम उसी ऑयल में थोड़ा सा हींग डालेंगे, फिर प्याज वाला पेस्ट डालेंगे, इसको एक से दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल के इसको एक से दो मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब हमने दो छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर रेडी किया है एक बाउल में, उसमें पानी में मिक्स कर लेंगे। फिर ये हम मिक्सचर कुकर में डाल देंगे और चम्मच चलाते हुए अपने मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऑयल रिलीज होने तक हम इसको बीच बीच में चम्मच चला के फ्राई करते रहेंगे। जब तक ऑयल रिलीज़ होएगा तब तक हमें इसे फ्राई करना है। ऑयल अच्छे से रिलीज़ होना चाहिए, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इसमें पनीर के कटे हुए पीसेस डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। आप चाहे तो पनीर की सूखी सब्ज़ी ऐसे बना सकते हैं, बट मैंने इसमें आलू भी डाले हैं और थोड़ा सा पानी डाला है। ये सब्ज़ी ग्रेवी वाली बनेगी। इसके ऊपर से मैंने एक छोटा चम्मच चाट मसाला डाला है और इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने एक सीटी लगवा दी है, जिससे कि हमारे आलू अच्छे से बॉईल हो जाए। यहाँ पर हमारी चटपटी आलू और पनीर की सब्ज़ी रेडी है। गाइस, आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें।